तो पहले एनडीआरएफ के सब जवानों से मैं बात करूंगा। अच्छा मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं, तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, टीम कमांडर आरआरसी देवगढ़, 9th बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवगढ़ द्वारा सूचना मिली कि त्रिकुट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 18:35 बजे गांव में पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेडिलेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको ब्रदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया, देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी, तो उस समय में ऑक्स करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रोलियां हैं उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है, तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रोली जो कि फंसी हुई ट्रोली के समानांतर लगी हुई है उसी ट्रोली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रोलियों में से 6 ट्रोलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया, साथ ही साथ लाउड हेलर से हमने सभी को संभावना देते रहे कि आप डटे रहिए, हम आपका जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। नेक्स्ट ये कार्रवाई हम लोग रात भर करते रहे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हमारी एनडीआरएफ की नेक्स्ट टीम आ गई, वो भी रेस्क्यू वर्क में जुड़ गई। साथ ही साथ एयरफोर्स ने भी अपना रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान ग्राउंड लेवल से एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी, आर्मी सभी एजेंसियों ने मिलकर रॉक हार्नेस, कैराबिनर और कुर्सी को ट्रॉली बनाकर रॉक के सहारे कैराबिनर से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको पीएचडी दी गई और फर्दर हॉस्पिटल उनको भेजा गया। और इस दौरान रात में भी एनडीआरएफ दूसरे दिन भी सेम जो फर्स्ट दिन कार्यवाही की वही उन्होंने पानी और भोजन की व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे और नेक्स्ट तीसरे दिन एयरफोर्स ने अपना काम किया और रेस्क्यू खत्म किया। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन बहुत ही कठिन था, लेकिन हमारी जितनी भी एजेंसियां ग्राउंड पे काम कर रही थी उनके आपसी तालमेल समन्वय से ही ये ऑपरेशन खत्म हो पाया है। और सर हमारा एनडीआरएफ का एक मोटो है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, उसमें हम सफल रहे हैं। थैंक यू सर। जय सर। ओम प्रकाश जी, आप लोग तो इस साहस से भरे हुए हैं, ट्रेनिंग भी है, ये तो एक बिल्कुल ही इस प्रकार का कभी ट्रेनिंग में आया नहीं, एक प्रकार से नए प्रकार की चुनौती आई। अच्छा ट्रॉली के अंदर फंसे लोगों का हौसला बनाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्या आपको उसको भी हैंडल करना पड़ा क्या? ट्रॉली में जो लोग फंसे थे क्योंकि वो शिकायत करते होंगे, चिल्लाते होंगे, रोते होंगे, बड़ी कठिनाई से गुजार रहे होंगे। जी जी सर, इसमें जो मेंटेनेंस ट्रॉली थी उसी में हमारे रेस्क्यूअर्स बैठे और जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर जो रोप लगी हुई थी उसी ट्रॉली में हमारे रेस्क्यूअर गए और उसका डिस्टेंसिंग कम से कम 20 मीटर का था, तो उसी से हमारे रेस्क्यूअर ने उन्होंने से उनसे बात की कि आप ठीक है, कितने लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, वो सारी बात करते हुए 12 ट्रॉलियों से टोटल बात हुई, लेकिन जो फूड की व्यवस्था है वो 6 ट्रॉलियों में हम पहुंच पाए। बाकी 6 ट्रॉलियों की हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से हम बोतल वगैरह या फूड पैकेट के पास थ्रो नहीं कर पाए। आपके एनडीआरएफ के सभी जवानों को मेरी तरफ से बधाई है, आपके साहस को पूरा देश सराह रहा है।